प्लास्टिक का एकल प्रयोग, प्लास्टिक के प्रदूषण को रोकने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सर्वप्रथम मैं शिवाजी हाउस से कक्षा आठवीं की छात्रा मेधा को आमंत्रित करता हूं, अपने विचार रखेंगी। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य, माननीय शिक्षकगण, शिक्षिकाएं एवं मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके समक्ष भाषण लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण में भारी मात्रा में प्लास्टिक कचरे के इकट्ठे हो जाने से उत्पन्न होता है। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। यह पानी या मिट्टी में विघटित नहीं होता और इसे जलाने पर इसका प्रभाव और भी ज्यादा हानिकारक हो जाता है। यह वातावरण में सैकड़ों सालों तक उपस्थित रहता है, जिससे यह वायु